गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है तो कल जो हमने पढ़ा था बाकी सेंटेंस है उसके टाइप्स, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पहले चार टाइप्स पढ़े थे, आज जो हम पढ़ेंगे वो आगे होगा पांचवा। तो पांचवा टाइप जो इसका है वो है विस्मय आदि। सुनो मुनि वाचक इसमें बेसिकली क्या होता है विस्मय आदि में, वह वाक्य जिससे हमें हर्ष, शोक, घृणा के भाव का बोध हो उसे विस्मय आदि वाचक बाकी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या पता लगता है हमें, वह वाक्य जिससे हमें हर्ष, शोक, घृणा के भाव का बोध हो उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तो हम यहाँ पे सेंटेंस लें, घृणा हम बोलते हैं नफरत को, शोक हम बोलते हैं किसको, दुख प्रकट करने को, और हर्ष कहते हैं जिसमें हम हर्ष में हमें क्या पता लगता है, हर्ष हो गया जब हम कभी भी हर्ष वो होता है जब हम कभी एक्सलमेटिव होते हैं, खुश होते हैं, चौंक जाते हैं कोई भी न्यूज़ सुनकर, तो उसको हम हर्ष कहते हैं। हर्ष उमूमन जब भी खुशियाँ होती हैं तब हमें मिलता है हर्ष, क्योंकि तब हम हर्ष से उल्लास हो जाते हैं, क्योंकि हर्ष बेसिकली खुशियों में यूज किया जाता है। और जो ये घृणा है ये नफरत के, और शोक जो है अगर कोई दुख की खबर हो तो तब हम शोक बोलते हैं। तो हम इसी का सेंटेंस लाएंगे, सबसे पहले घृणा घृणा का सेंटेंस लेंगे, तो घृणा होगी नफरत मुझे मुझे आप से बड़ी घृणा है, यानी कि मुझे आपसे नफरत है, ये हो गया सारा घृणा। उसके बाद आएगा शोक हो गया दुख प्रकट करना। तो दुख कैसे हम प्रकट करते हैं, दुख हम उसका सेंटेंस आएगा आप बीमार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये है दुख प्रकट करने का सेंटेंस। उसके बाद हर्ष का सेंटेंस क्या आएगा, हर्ष जब हम खुश होते हैं, हर्षोल्लास से भर जाते हैं कोई भी न्यूज सुनकर, कोई भी जानकारी मिलती है हमें, जैसे आप दसवीं कक्षा में बड़े ही अच्छे नंबरों से पास हुए हो, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। तो ये हो गए इसके तीन सेंटेंस। अब इसके बाद जो है सिक्स्थ वाला पार्ट, तो वो है हमारा
विधानवाचक वाक्य, उसमें क्या होता है विधानवाचक वाक्य? विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें हमें किसी भी प्रकार की जानकारी होती है, कोई भी जानकारी किसी भी चीज को लेकर कोई भी जानकारी हमें उसमें मिल सकती है विधानवाचक वाक्य। जैसे भारत एक महान देश है, या यहाँ से श्रीनगर 60 किलोमीटर दूर है, तो इसमें हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज को लेकर, तो इसी को हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। तो अब यहाँ पर आएगा सिक्स्थ पार्ट, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य या जिन वाक्यों से हमें किसी भी जानकारी का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो कोई भी जानकारी, जैसे भारत एक महान देश है, या कोई भी इंफॉर्मेशन, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो ये सब जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले उसको हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। तो हो गया हमारा जो है सिक्स्थ पार्ट, वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आएगा सेवंथ वाला पार्ट। तो सेवंथ वाला पार्ट क्या है? निषेध वाचक वाक्य। तो इस वाक्य में क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है? तो निषेध वाचक वाक्य में हमें नकारात्मक जवाब मिलते हैं। नकारात्मक जवाब क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ ना हो। तो जिन वाक्यों में किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि उसमें इनकार, किसी भी चीज को लेके इनकार किया गया, तो उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी भी कार्य हो गया, काम भी बोल सकते हैं, कार्य के न होने का बोध उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या पता लगता है? काम के ना होने की जानकारी मिलती है। तो इसमें हमें काम के ना होने की जानकारी मिलती है, उसी को हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो काम के ना होने का, अब हम एक सेंटेंस एक एग्जांपल लेंगे जिसमें इनकार किया गया हो, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसमें इनकार किया जाता है, या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो इन सेंटेंस में क्या पता लगता है?
इसमें इनकार किया जाता है किसी भी बात को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। इसमें सिर्फ इनकार रहेगा, सिर्फ नहीं यूज होगा, जो भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ इनकार होगा, तो उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न बेसिकली कहते किसको है, प्रश्न बोलते हैं सवाल करने, प्रश्न बोलते हैं सवाल करने। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या पता लगता है, जिन बातों से हमें किसी भी प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एट पार्ट प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या पता लगता है, जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से हमें किसी भी प्रश्न की जानकारी मिलती है, उसे उसे प्रश्नवाचक वाचक वाक्य कहते कहते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देंगे जैसे, तो प्रश्नवाचक में क्या है, सवाल करना है, तो सवाल कोई भी पूछा जा सकता है, आप कहाँ रहती हैं, तो ये क्या है, ये सवाल है, ये एक प्रश्न है। तो इसी तरीके से इसमें ये सेंटेंस आते हैं उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज जो है हमारे पास सेंटेंस के सारे टाइप्स पूरे हो गए, तो कल हम एक नया टॉपिक लेंगे तो उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। आज आपका ये जो है सेंटेंस का टॉपिक है ये पूरा हो गया, तो कल हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।